सिंहासन बद्दीसी। सिंहासन बत्तीसी। चौथी पुतली काम कंदला। विक्रमादित्य की दानवीरता और त्याग की भावना। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उससे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों ज्यों फैलता है ऊपर उठता जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों ज्यों सूर्य की गर्मी घटती जाती है वो छोटा होता जाता है, और सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भांप किया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वो आया है, ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वो राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवता गण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया तो दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंभे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंभा प्रकट होता। सूर्य की किरणों ने ज्यों ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंभा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैर कर उस खंभे तक पहुंचे। खंभे पर जो ही विक्रम चढ़े जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगी। ज्यों ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी खंभा बढ़ता गया। दोपहर आते आते खंभा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंभे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतार कर उन्हें भेंट कर दिए। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंभा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंभा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेतालों ने फिर उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की कथाएं। इस कथा के लिए वाचन था संज्ञा टंडन का, प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप।